हाउ टू गेट आंसर्स, आंसर्स जो है आपको ऐसे मिलता है, और वो किस रूप में मिलेगा वो आपको डीकोड करना पड़ेगा। कभी कभार जैसे मैंने बोला मेरे व्हाट यू कॉल, अच्छा मेरे को जॉब कब मिलेगी, किस एज में मुझे मिलेगी जॉब। फॉर एग्जाम्पल मैं 30 साल की हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल पा, तो मैं जब आकाशिक रिकॉर्ड खोलने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा है आंसर, तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरे को जॉब मिलेगी, आई कैन इवन आस्क कि किस एज में मेरे को जॉब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 48 अगर मेरे कॉन्शियसनेस पे आ रहा है, अगर मेरे को आंसर ब्लिंक हो रहा है 48, तो यू नो आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड कि मैं तो चाहती हूँ कि कल से मैं काम पे जाऊँ, और 48 नंबर आ रहा है मतलब मैं 48 ईयर्स तक क्या बैठी रहूंगी यहाँ पे, नो। सो देन यू हैव टू आस्क अगेन, इसको डिकोडिंग बोलते हैं, तो सुन लेना प्लीज। तो जब 48 आ रहा है तो इसको मैंने डिकोड करना है, कैसे करोगे? ओके, आपने रिफ्लेक्ट तो कर दिया 48, बट मुझे मेरे लाइफ में क्या पैसा, मेरे को पैसा चाहिए इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ, वो क्लियर है मेरे मेरे थॉट में, वो क्लियर है। तो क्या मेरे को पैसा जो है 48 ईयर में ही मिलेगा, माई सेकेंड क्वेश्चन। तो सपोजिंग कुछ और नंबर ब्लिंक होता है उधर, फॉर एग्जाम्पल 40 या 35, लेट्स टेक इट 35, 35 ब्लिंक हो रहा है उधर। सो जब मेरे को जब आंसर आया 35, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 35, आई आई कैन आस्क दैट, क्योंकि वहां के जो मेरे गुरु या मेरा सोल जिस जो बुक को देखभाल कर रहे हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग द आंसर कि तेरा जो लाइफ प्लान के हिसाब से 35 में तेरे को पैसा मिलेगा। तो जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि 35 का मतलब क्या, सीधा यू कैन आस्क, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई नंबर दिख रहा है, कोई सिंबल दिख रहा है, कोई कलर दिख रहा है, भाई हमारा तो ड्राइव जो है पेन ड्राइव इतना एडवांस नहीं है ना वहां के हिसाब से, हमें तो मुंह बोली ही समझ में आती है, अगर किसी को हिंदी ही समझ में आती है तो हिंदी में ही बात करना है, बट वहां तो ये सब नहीं चलता ना, वहां तो लैंग्वेज ही अलग है, वो तो आपको सिंबल्स दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे, कलर दिखाएंगे, अब ये तो बड़ा हाई लेवल का स्टडी हो गया ना। तो यू कैन आस्क, ये जो आपने 35 दिखाया, प्लीज हेल्प मी मेरे को इसको समझने में, क्योंकि मेरा ब्रेन इतना अपग्रेडेड नहीं है, तो मुझे ये समझना है। तो यू कैन आस्क इसका क्या मतलब है, मेरे लाइफ में 35 का क्या रिलेवेंस है, मतलब क्या मुझे पैसा तब मिलेगा, या मुझे जॉब तब मिलेगी, या मैं अपना खुद का खोल लूंगी, मेरे को 35 एज में मेरे को कैसे पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं एज अ सोल क्या है, एक ही चीज देख रही हूँ, कल मुझे इंटरव्यू में जाना है और वो क्लिक होना चाहिए, है ना। बट उनका प्लान क्या है, उनका मे बी इससे बड़ा प्लान हो सकता है, मेरे को कोई और अपना दुकान खोल के बिठा दे, हम तो इतू सा सोचते हैं ना अपने बारे में, हम तो बड़ा कभी सोचते ही नहीं है अपने बारे में। तो वी नीड टू आस्क मोर, जितना उनसे आप पूछते रहोगे पूछते रहोगे पूछते रहोगे, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, जब तक हमारे लेवल तक वो आंसर नहीं मिलता है, तब तक यू कैन कीप ऑन डीकोडिंग, इसको डीकोड बोलते हैं, डीकोडिंग द क्वेश्चन, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल शादी का ले लो, मेरे दो बॉयफ्रेंड पहले टूट चुके हैं, ठीक है, अब मेरी मम्मी बोल रही है कि मुझे शादी करना है, बट आई एम नॉट रेडी फॉर द मैरिज, मेरे को नहीं करना, आजकल के बच्चे तो वैसे भी शादी नहीं करना चाहते, तो आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, बट मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है, लड़कों का लिस्ट लेके आई है कि मेरे को शादी करानी है। सो एज अ सोल आई नो वॉट इज आकाशिक रिकॉर्ड, मुझे अपना रिकॉर्ड देखना है, तो मैं आंखें बंद करके मैं जब ऊपर जा रही हूँ, मेरे दिल में ये है कि भाई मेरे लिए शादी लिखा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं पहले वो पूछ रही हूँ, क्या मेरे लिए शादी है, क्योंकि वैसे ही मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, दो बॉयफ्रेंड वैसे ही टूट चुके हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो है आपका आंसर आता है यस है, तो फिर अच्छा है मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई, अच्छा शादी करनी पड़ेगी, है ना। सो देन आप पूछ सकते हो कि कौन से एज में होगी मेरी शादी, देन कोई नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 28 और मैं हूं अभी 25 की, तो चलो 3 साल और है मेरे को रिकवर करने के लिए, है ना। एंड देन यू कैन आस्क ओके मेरे लड़का क्या आपने डिसाइड करके रखा है, कैसा लड़का है। इफ यू वॉन्ट यू कैन आस्क द नेम ऑल्सो, द इनिशियल ऑल्सो, और वट एवर कम्स टू यू, कहाँ होगा, कैसा होगा, मेरे लिए सही होगा या नहीं, मेरी फैमिली के लिए सही होगा या नहीं, एवरीथिंग यू कैन आस्क एंड राइट इट डाउन। अगर आज आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो 1-2 दिन या जब तक आपको आंसर मिलना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी आंसर मिला ही नहीं, तो जस्ट क्लोज द बुक एंड गो इन टू सम अदर क्वेश्चन, वो आएगा जब आना होगा या आपके किस्मत में अभी आना नहीं होगा क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को ले नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि हमारा इमोशंस कुछ अलग होता है, ऊपर वाले का जो ब्लेसिंग है वो अलग होता है। क्या पता इन 3 सालों में आपने कुछ आपका कर्मा चेंज होके रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, रिलेशनशिप कर्मा आप अच्छा गेन कर लो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो आप थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, देन यू आस्क फिर से कि भाई कैसा होगा मेरी शादी, कौन है मेरे लिए।